चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ईयर 2015 क्वेश्चन नंबर 9B। ओके, महीन रनिंग अ बुटीक फॉर्म अ पार्टनरशिप विद रहीन अंडर द नेम ऑफ MR बुटीक। मतलब महीन का पहले सोल प्रोप्राइटर थी, अब वो पार्टनरशिप के अंदर इंटर हो रही है रहीन के साथ ऑन January 1, 2015। दी बैलेंस शीट डेटा ऑफ महीन्स बुटीक इज एज अंडर। जब वो सोल प्रॉपर्टी उस टाइम जो उसकी बैलेंस शीट थी उसका डेटा अब इन्होंने दिया हुआ है। कैश ₹50,000, अकाउंट रिसिवेबल ₹250,000, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स ₹20,000, इन्वेंट्री ₹340,000, प्रीपेड रेंट ₹30,000, स्टोर इक्विपमेंट ₹500,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹100,000, अकाउंट्स पेएबल ₹97,000, नोट्स पेएबल ₹80,000। महीन ट्रांसफर टू दी पार्टनरशिप हर एसेट, मतलब महीन जो है अपने जितने भी एसेट हैं वो पार्टनरशिप के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन सिर्फ प्रीपेड रेंट को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट एंड लाइबिलिटीज़ ऑन दी फॉलोइंग वैल्यूज। एसेट्स के साथ अपनी लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन इस वैल्यूज पे जो वैल्यूज आप गिवन है। कैश की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि कैश जो है वो हमेशा सेम होता है, वो रीअसेस नहीं होता। बाकी अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू महीन ने यहाँ पर डिसाइड की हुई 250,000, जो कि पहली वाली वैल्यू उसके बराबर थी। इन्वेंट्री 300,000, पहले इन्वेंट्री की वैल्यू थी हमारे पास 340,000, लेकिन अब 300,000 डिसाइड करिए। इक्विपमेंट एंड लाइबिलिटीज़ एट बुक वैल्यू, मतलब इक्विपमेंट और लाइबिलिटीज़ की सेम वही वैल्यू होगी जो पहले थी, लेकिन बुक वैल्यू इक्विपमेंट की हमेशा वो वैल्यू होती है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद होती है। ये वाली जो 5 लाख इक्विपमेंट की वैल्यू दी है ये परचेज वैल्यू कहलाती है। परचेज वैल्यू में से जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे उसके बाद जो वैल्यू आती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। गुडविल ऑफ महीन इज टू बी रिकॉग्नाइज एट ₹100,000। सबसे पहले हम महीन्स का जो डेटा है वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। कैश महीन का जो चेंज नहीं हुआ 50,000, कैश डेबिट। सेकंड आ गया अकाउंट रिसीवेबल महीन की जो वैल्यू थी 2,50,000। थर्ड एसेट है इन्वेंट्री, जो पहले था 3,40,000 का और अब महीन ने रीअसेस किया है उसको 3 लाख पे। अच्छा, इक्विपमेंट एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। प्रीपेड रेंट महीन ने इग्नोर कर दिया है तो प्रीपेड रेंट नहीं लेंगे हम। स्टोर इक्विपमेंट 500,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इक्विपमेंट आएगा। ₹500,000 - ₹100,000 4 लाख से। इसके बाद सारी लाइबिलिटीज स्टार्ट हो गई है, लेकिन गुडविल भी हमें इसमें शामिल करनी पड़ेगी। अब सारे एसेट हमने डेबिट कर दिए, अब जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है और लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं तो वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती हैं। अकाउंट्स पेबल,
अब सारी लाइबिलिटीज़ भी हमने रिकॉर्ड कर लिया और सारे एसेट्स भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब एसेट्स का साइड आप टोटल करेंगे, जो कि टोटल करने के बाद 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 8, 12 लाख, 11 लाख, 11 लाख टोटल करने के बाद इसकी अमाउंट बनी। इसमें से जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी अमाउंट माइनस कर देंगे। अब जो बैलेंसिंग अमाउंट है कि वो इसका कैपिटल होगा, महीन का कैपिटल होगा। ये हमने महींस के जितने भी एसेट थे वो अब रिकॉर्ड कर लिए। अब इसके बाद रहीन का डेटा पढ़ ले रहे हैं। रहीन इन्वेस्ट लैंड रुपीज़ 2 लाख एंड बिल्डिंग रुपीज़ 60,000। शी ऑल्सो कंट्रीब्यूट सफिशेंट कैश टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू डेट ऑफ महीन। फर्स्ट थिंग, इसने जो इन्वेस्ट करी है, ज़मीन इन्वेस्ट करी है लैंड रुपीज़ 2 लाख। लैंड की कीमत थी 2 लाख, बिल्डिंग की कीमत थी 60,000, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो भी इक्वल होना चाहिए महीन के मुकाबले में। तो महीन का कैपिटल हमने कितना बुक किया है, 9,03,000। जितना रहीन का कैपिटल है उसमें से हम लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी होगी कैश की।